मेन मुद्दा जिहड़ा रेत की काला बाजारी रेत की ठगी ठोरी है, उस ठगी ठोरी को बंद करने वास्ते गुंडागर्दी को समाप्त करने वास्ते पंजाबियों के अंदर जागरूकता पैदा करने वास्ते मैं पहला बेनती की है कि डीसी दफ्तर के धरने दरिया बिछा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का मसला हल नहीं होना। अखबारों ने बड़े वे वे एडिटोरियल लिखे, एक्सकलूसिव खबर लिखिया, एक्सकलूसिव तुम भी अपने जोड़े इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी रोल अदा किया, पर सरकार के कन से जो नहीं सरकी। अज लुधियाना जिले के अंदर टीम इंसाफ का गठन किया, टीम इंसाफ के मैंबर शांतमय तरीके अंग्रेजों ने अपना कहते हैं कि नमक से कब्जा किया, कि नमक से कब्जा तोड़न वास्ते महात्मा गांधी को सत्याग्रहियों जाके डांडी मार्च करना पड़ा। तो बादलों ने पिछले 8 साल तो रेते और बजरी से कब्जा किया। सो ये कब्जा तो ठगी ठोरी बंद करने वास्ते, गुंडागर्दी बंद करने वास्ते टीम इंसाफ के मैंबर जिथे जिथे रात वेले पंजाब के 14 जिले के अंदर रात वेले रेत की चोरी होंगी, इलीगल माइनिंग होंगी, पिंडों के लोग परेशान रात को सौ नहीं सकते, 10-10 चक्कियां गड्डियां लोगों का जूना दुब्बर कर दी ने। सो उन्हां 14 जिलों के जिथे रात को इलीगल तौर पर रेता चोरी हो रहा, उन्हां 14 जिलों दी खड्डां दे विच टीम इंसाफ के मैंबर दिन वेले जाण ट्रालिया के ट्रैक्टर लैके बेलचे तो तकारियां और टोकरे लैके अपने हत्थां नाल जाके रेत भर, तो रेत जिहड़ी जरूरतमंद लोगों विदाउट एनी कॉस्ट बिना किसी कीमत तो मुहैया हो। तो सरकार मैनू पता तुहानू भी पता सारे आपां पंजाब के रहने वाले हैं, जे किसी जिमीदार ने किसी एक गरीब ने जिहड़ा गड्डा वाहुंदा जिहड़ा ट्राली चलाउंदा जे किते जाके उन्हें 4 टोकरे रेत के पटले तो थानेदार ने कुट कुट बुरा हाल मुकदमा दिता, जेल जाना पिया। अज जिहड़ा रेते के छोटे कारोबारी से अज रोटी तो मुखाज हो, मैनू पता कि मुकदमे देणगे सरकार। इस टीम के सारे मैंबरों को पता कि जेल जाना पैना, तो टीम इंसाफ के मैंबर तैयारी करके आए हैं कि पंजाब के अंदर 14 जिलों के अंदर जी रेत की चोरी हो रही है, उस चोरी को ठल्लण वास्ते लोगों को जागरूक करने वास्ते 14 जिलों के दर्शन करने पैने, तैयारी करके आए। सो ये बड़ा पीसफुल अंदोलन है, बहुत शांतमई।